नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह का किया पर्दाफाश, दो अपराधी को किया गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने चालक की पिटाई। आजाद नगर थाना स्थित मुकरुसाई बस्ती की महिलाओं ने मोबाइल टावर नहीं लगाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिरसा नगर के एक मकान से नगदी और सोने के आभूषण की हुई चोरी, वहीं परसोडी पुलिस ने स्कूटी चोर को किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह का पर्दाफाश किया, दो अपराधी को गिरफ्तार किया। सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल छिनतई गिरोह का पर्दाफाश करते हुए भुयाडी निवासी बजरंग पंडित एवं कृष्णा लोहार नामक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिद्धगोड़ा क्रॉस रोड नंबर 20 में भीमा रोड के पास शुक्रवार की देर रात तेज रफ्तार कार ने दो स्कूटी में टक्कर मार दी। कार को आता देख स्कूटी सवार कूद कर दूसरे तरफ चले गए। इसके बाद कार की टक्कर से एक स्कूटी दूर जा गिरी, जबकि दूसरी स्कूटी कार के अंदर फंस गई, जिससे कार रुक गई। स्थानीय लोगों ने कार चालक की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने बीच बचाव कर चालक को थाना ले गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से कार के नीचे फंसी स्कूटी को बाहर निकाला गया। पुलिस स्कूटी और कार को भी सिद्धगोड़ा थाना ले गई। पुलिस के अनुसार कार से धक्का लगने से कोई हताहत नहीं हुआ, वाहनों को थाने लाया गया है, चालक नशे में था। फोन से सूचना मिला कि भीमा रोड के पास एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग आए तो यहाँ पे काफी भीड़ था, और आने के बाद फिर आप लोग के सामने था सारा चीज मैनेजर, फिर हम लोग उसको हटा के लेके जा रहे हैं। एक लड़की है, नाम ध्यान में नहीं है, पहले उसको हल्का चोट लगा है, एक्सीडेंट है, उनको भी पैर में हल्का चोट लगा, उनको इलाज के लिए भेजा। ड्राइवर नशे में था क्या? ड्राइवर, हाँ ड्राइवर नशे में है। और बाकी कितना गाड़ी को मारा है तुझे सीजन पर? एक गाड़ी स्कूटी के गाड़ी पे चढ़ गया तो, और एक गाड़ी को हल्का सा डैश हुआ है, उसमें भी ड्राइवर के साथ किए हैं। ड्राइवर को पकड़े हैं? हाँ, ड्राइवर थाने में। दरपरसूरी थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास स्कूटी बरामद कर ली गई है। वही संदर्भ में परसोडी थाना प्रभारी ने बताया कि जसवीर सिंह के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि जसवीर सिंह की स्कूटी चोरी हो गई है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूटी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए चोर का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वादी जसवीर सिंह के द्वारा दिनांक 21/6/2024 को एक लिखित सूचना दी गई थी कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। उसके संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना हम लोगों को मिली कि कोई राजा प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति इस कांड में संलिप्त है, चोरी के कांड में। उससे जब बुला करके पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि फलाना जगह पर हमने इस स्कूटी को छुपा कर रखा हुआ है, साथ चलने पर उसे बरामद कराया जा सकता है। उसके अपराध स्वीकारोक्ति बयान और उसके निशानदेही पर चोरी गई स्कूटी को बरामद कर लिया गया है, तथा अग्रतर कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। हाँ, इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास उन्होंने बताया कि दो बार जेल जा चुके हैं। आजाद नगर थाना स्थित मकरूसाई बस्ती के महिलाओं ने मोबाइल टावर नहीं लगाने के खिलाफ किया प्रदर्शन, लिखित शिकायत दी। आजाद नगर थाना स्थित मकरूसाई बस्ती के महिलाओं ने मोबाइल टावर नहीं लगाने की मांग को लेकर थाना पर प्रदर्शन किया। वहीं इस संबंध में थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरा सरनजीत कौर। सरनजीत कौर, कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोगों डिग्नेटी के पीछे से। बस्ती का क्या नाम है जी? क्या नाम है बस्ती का? मुकरूसाई। हाँ, मुकरूसाई, मुकरूसाई थाना, थाना आजाद नगर। किसके खिलाफ आप लोग आए हैं? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं आए हैं, हम लोगों टावर नहीं लगाने देना है। टावर के खिलाफ आप लोग आए? जी, टावर नहीं लगने देंगे जी। टावर ये कहाँ लग रहा है? टावर बस्ती के अंदर में। कौन सा बस्ती बताए? मुकरूसाई। अच्छा, कौन लगवा रहा है? गणेश टूटू
मिश्रा जी लगा रहे हैं गणेश टूडू का जमीन में, आप और रोड का जमीन है। तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो, वजह? हम लोग नहीं लगाने देंगे। क्यों, वजह? टावर बस्ती है, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ, बूढ़ा पुराना, हम लोग टावर, वो वायरस फैलता है, हम लोग टावर नहीं लगा देते। इससे पहले कभी आप लोग कुछ कंप्लेंट किए हैं? किए हैं, 4 महीना पहले किए हैं। अच्छा, 4 महीना पहले भी किए थे जी। तो क्या हुआ था उस टाइम? बंद कर दिया था। हाँ? फिर आज से फिर चालू किया। 4 महीना पहले काम बंद कर दिया? हाँ, काम बंद कर दिया। फिर आज से? आज से फिर चालू। कब हुआ चालू, दिन में या रात में? दिन में। सुबह से लग रहा था। हाँ। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग नहीं लगाने देने चाहते। नहीं लगाना चाहते? नहीं, कहीं और ले जाए, लगाए, बहुत जगह है, फॉरेस्ट में ले जाए, वहीं फॉरेस्ट की बात है, वहाँ ले जाए, वहाँ लगाना। में कंप्लेन करने आए आप लोग? जमशेदपुर पूर्वी जिले में चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन 3-4 चोरियां हो रही है और पुलिस मुख दर्शक बनी हुई है। कुछ चोरी की घटनाएं छोड़ दे तो बाकी में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। बीती रात बिरसा नगर जोन नंबर 6 में चंदन भट्टाचार्य के घर में चोरी हो गई। उनके माता पिता के रुपए थे और कुछ ढलाई के लिए पैसा रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तल्ला के ऊपर चोर छत के माध्यम से प्रवेश किए और नगदी एवं सोने के गहने लेकर चंपत हो गए। चंदन भट्टाचार्य ने बताया कि लगभग 6 लाख रुपए की मूल्यों की चोरी आभूषण को मिलाकर हुई है। ऐसा लगता है कि घर में कुछ स्प्रे भी मारा गया है, क्योंकि पिताजी रात में 2-3 बार बाथरूम के लिए उठते हैं, वह उठे नहीं और सबकी नींद सुबह 7 बजे खुली, कुछ गंध जैसा भी महसूस हुआ। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोर को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन चंदन भट्टाचार्य का कहना है कि 2 घर छोड़कर पिछले 2 दिन पहले उस घर में भी चोरी हुई थी। लगातार चोरी हो रही है, पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। गोल्ड लगभग 1.5 लाख का होगा अभी का रेट का हिसाब से, और मेरा जो घर का ढलाई करना था उसका करीब करीब सब मिला के ऋण दाना करके सब कपास उधारी धार उधारी लेके लगभग 6 लाख का आसपास। कैसे घटना मालूम चला आपकी? आपके घर में सुबह उठे तो देखे, पहले मेरा वाइफ देखे तो फोन नहीं है, फोन गायब है। फोन का देखे तो फोन बिखरा हुआ है, छत का ऊपर गिरा पड़ा हुआ था। तो फोन जैसे ही देखे तो हमारा फोन फ्लाइट मोड कर दिए थे, पता नहीं कैसे किए, पासवर्ड जब का मेरा पास है। तो उसका बाद जैसे ही नीचे उतरा के देखे पूरा अलमीरा उलमीरा खुला हुआ है, और अलमीरा खुला जैसे ही शौक हुआ तो ऊपर में आके देखे जो इमिटेशन का गहना इना सब है सब फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है। हम लोगों ने 11:30 बजे छत में जो पेड़ था उसको पानी दे के हम लोगों ने गया है साथ में छिटकनी लगा के। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन तो अभी डेली हर दिन चोरी चमारी हो रहा, पुलिस प्रशासन कहाँ अलर्ट है, कुछ अलर्ट नहीं है। तो अभी आप लिखित दिए हैं? अभी लिखित दिए हैं, देखिए वो बगल में ही, मेरा बगल में 2 घर का पीछे उसका बोरिंग चोरी हुआ, उसका सिलेंडर चोरी, आपका अपना बताइए, हमारा भी चोरी हुए। आपका जो चोरी हुआ उसके बारे में बताइए कि आपको क्या पुलिस आश्वासन दे के गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक हुई, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, DTO धनंजय, शिक्षा विभाग, NHAI, ट्रैफिक DSP समेत अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए। सड़क हादसों में नियंत्रण करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से अमल में लाने समेत अन्य संबंधित विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा टीम को निर्देशित किया कि स्कूली बच्चों व अन्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित कार्यशाला आयोजित करें, जिसमें गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने, सड़क की बाईं ओर सुरक्षित चलने, सीट बेल्ट व हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग, सड़क में बाईं या दाहिने तरफ वाहन को मोड़ते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल आदि की जानकारी दी जाए। मई माह में 29 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु व 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लैक स्पॉट, वल्नरेबल एक्सीडेंटल पॉइंट्स एवं सड़कों के कर्व स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार सुधार करने, बिना हेलमेट, 2 पहिया वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवरस्पीड, बिना सीट बेल्ट, साइलेंसर मॉडिफिकेशन एवं स्टंट करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने ऑटो चालकों के लिए ID कार्ड, यूनिफॉर्म पहनने को लेकर ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देने हेतु DTO को निर्देशित किया। नॉन परमिट ऑटो, अंडर एज व बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चालक की जाँच कर कार्रवाई की बात कही गई।
ऑटो एसोसिएशन को निर्देशित किया गया कि ऑटो चालक चिन्हित स्टैंड से ही सवारी बैठाएं, जहां तहां ऑटो ना रोके, जिससे सड़क दुर्घटना के किसी भी प्रकार की संभावना को नगण्य किया जा सके। साक्षी एमजीएम अस्पताल गोल चक्कर के समीप लोजपा पार्टी का कार्यालय का विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किया गया। साक्षी एमजीएम अस्पताल के गोल चक्कर के समीप लोजपा पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने फीता काट कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के वरीय नेता बबलू प्रसाद दांगी ने बताया, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे जमशेदपुर में जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब हम लोग को यहाँ से 6 महीना चुनाव वक्त बचा है। हमारे केंद्र में अलायंस में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम लोग केंद्र तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि कम से कम हमारा झारखंड में 11 सीट दिया जाए, और नहीं तो पूरे 81 सीट पर चुनाव का तैयारी करवा करके और हम लोग को चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करेंगे। बागे आयशा के तत्वाधान में 3 से 5 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट 2024 का आयोजन किया जाएगा। बागे आयशा के तत्वाधान में आगामी 3 से 5 सितंबर को बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में जिला स्तरीय एथलेटिक्स मीट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष जेबा कादरी ने बताया, कार्यक्रम के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अली अदनान रजा, अली मुसैब रजा, जुनैन जाहिदीन, आमना खातून, सलमा खातून उपस्थित थे। हमारे खसूसी मेहमान जो हैं झारखंड के मौजूद वजीर खेल जनाब आसिफ हफीजुल हसन साहब होंगे, और इसमें टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉरपोरेट कम्युनिकेशन जनाब चनकिया चौधरी साहब होंगे, और हमारी कुरान में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, जो हमारा एक एम ऑब्जेक्टिव है कि 5,000 और बच्चों से मतलब हमारा कितने दिन का इवेंट रहेगा? ये 3 दिन का है, 3, 4 और 5, तो इसलिए इसमें उम्र की जो है कैटेगरी है 19 से लेके 17 साल तक, और 11, 12 और 9, 10 के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उपायुक्त ने की खनन टास्क फोर्स की बैठक, अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए सघन अभियान दिया आदेश। जमशेदपुर के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, सिटी एसपी मुकेश लुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग व संबंधित विभाग के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में उपायुक्त ने सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से खनिजों के अवैध खनन परिवहन और भंडारण के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को उनके क्षेत्रों में बालू और अन्य खनिजों के अवैध परिवहन की सघन जांच कर अंकुश लगाने का कड़ा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और जिला प्रशासन के संबंधित विभागों को खनन वन परिवहन प्रदूषण कारखाना विभागों के एक्ट के तहत समेकित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इधर जमशेदपुर शहर में आवारा कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है, उसके आतंक से लोग परेशान हैं। गाड़ी मोटरसाइकिल में जाने वाले लोगों पर कुत्ते भौंकते हुए दौड़ते हैं, वहीं अकेला व्यक्ति को देखकर भी कुत्ते झुंड बनाकर हमला कर देते हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एक बछड़ा पर कम से कम 10 से 12 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसे बुरी तरह से नोच लिया गया। किसी तरह से लोगों ने उसे कुत्तों के आतंक से निकाला। सवेरे 7 बजे मानगो गांधी मैदान के पास एक 6 वर्षीय बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। गनीमत थी कि उसकी मां भी साथ में थी, वह कुत्ते को पत्थर से मार रही थी, फिर भी कुत्ता छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तब तक और 5 से 7 कुत्ते आ गए और सर व हाथ को बुरी तरह से काट खाए। जाहिद अहमद की मां ने बताया कि अब तक यहां कुत्तों ने 2 से 3 लोगों को काट चुके हैं। पहले आवारा कुत्ता को पकड़ने के लिए गाड़ी आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। टाटा स्टील द्वारा भी कुत्तों को नसबंदी करने के बाद छोड़ दिया जाता है, ताकि कुत्तों की संख्या बढ़े नहीं, लेकिन वह भी काम सही ढंग से अभी नहीं हो पा रहा है। सभी बस्ती मोहल्ले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। प्राय कुत्ते झुंड बनाकर किसी व्यक्ति या जानवर पर हमला करते हैं और पूरे शिकार के अंदाज में झपटते हैं। इसका कोई उपाय अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन इसको जा रहे थे तो कुत्ता पर से टान लिया, पहले एक कुत्ता था, उसके बाद जब कुत्ता को मारने लगे तो सब 4-5 कुत्ता लोग आया, घेर लगा के सब ले गए टान। अब मारे पत्थर से तो नहीं भाग रहा था, कुत्ता लोग का झुंड इसके ऊपर आ गया।
वहाँ क्या हमेशा ऐसे ही कुत्ता लोग गए हैं क्या? अभी जो तीन दिन ऐसा हो रहा कुत्ता का, इससे पहले भी किसी को किया? हाँ, हाँ, बच के उतना लगा नहीं है किसी को, भगा दिया लोग उस समय। सुबह सुबह टाइम था, सब सन्नाटा था, कोई था नहीं वहाँ। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी झंडा चौक साक्षी बाजार जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में, कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में, बालिका वधु सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में, साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में, नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2x6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर झंडा चौक साक्षी जमशेदपुर। फोन नंबर 2438404। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1-0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेस होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर आर रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। विजिट आवर रजिस्टर्ड ऑफिस, मदानी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 7, आर रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। राजेंद्र मध्य विद्यालय बागबेड़ा जमशेदपुर 2 की प्रधानाध्यापिका डॉक्टर शीला कुमारी का अंतिम कार्य दिवस था। मध्य बागबेड़ा की मुखिया महोदया
उमा मुंडा ने स्वयं आकर डॉक्टर शीला कुमारी को अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर अपने कर कमलों से पुष्प गुच्छ प्रदान कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने अपने उद्गार व्यक्त किए कि महोदया का कार्यालय बहुत ही उज्जवल रहा। इस अवधि में विद्यालय बहुत ही विकसित हुआ। कोल्हान की RTDE श्रीमती निर्मला बरेलिया द्वारा इन्हें राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिला स्तर पर कई बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। यह पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा भी अंगवस्त्र देकर और उपहार देकर इन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षकों ने पुष्पगुच्छ और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चे बहुत दुखी थे। उन्हें समझा पाना कठिन हो रहा था कि प्राचार्या कल से नहीं आएंगी। इस अवसर पर डॉक्टर कविता परमार जिला पार्षद महोदया ने अंगवस्त्र प्रदान किया एवं उपहार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नए प्रभारी प्रधानाध्यापक पशुपतिनाथ मिश्रा ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर प्रधानाध्यापिका डॉक्टर शीला कुमारी को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संकुल साधन सेवी बापी प्रधान, सभी शिक्षकगण, SBI से बानीकर, पंचायत समिति के सदस्य राजू सिंह, राजू गौड़, सुनील गुप्ता एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सभी बच्चों एवं शिक्षकों के बीच अल्पाहार वितरित किया गया। अलका कुमारी सहायक शिक्षिका द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। सबने मिलकर बहुत ही भावभीनी विदाई दी। इस समय में जबकि आज यह मेरा लास्ट वर्किंग डे है, शब्द लड़खड़ा रहे हैं, मैं क्या बोलूं आपको, लेकिन 36 प्लस ईयर का सर्विस, ये एक लॉन्ग जर्नी है और इस स्कूल में आकर मुझे इतनी बड़ी बड़ी पहचान मिली। आपको अभी रिसेंट अवार्ड मुझे मिला फरवरी में, बरेलिया RDD मैडम, बरेलिया मैडम ने अवार्ड दिया, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न के अवार्ड से मुझे सम्मानित किया। तो इसके बाद और इस स्कूल से मुझे कैसे शिकायत हो सकता है। जिला स्तर पर सर ने, DSC सर ने बुला करके मुझे अवार्ड दिया है। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी। बहुत कुछ सोच कर रखा था इस विद्यालय के लिए, जैसे इस विद्यालय को +2 में अपग्रेड करने का, कुछ हद तक तो पहुंच बनाई है मैंने, लेकिन अभी तक वह ज़मीन पर नहीं उतर पाया है। PM श्री योजना में इस स्कूल का नाम आ जाए तो मैं समझूंगी कि सही में मैं कुछ कर पाई हूँ 36 सालों में। सही में धन्यवाद। टाटा स्टील स्पेशली एबल्ड चेस चैंपियनशिप का चौथा संस्करण शुक्रवार को समापन हुआ। 24 से 28 जून तक GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित चौथे ऑल इंडिया फेडरेटेड स्पेशल एबल्ड टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप का समापन शुक्रवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के विकलांग शतरंज खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और खेल के प्रति जुनून दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस चैंपियनशिप में 3,17,000 की पुरस्कार राशि दी गई, जिसमें 16 राज्यों से 68 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 वर्गों में टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिनमें 9 राउंड खेला गया। इस आयोजन में भाग लेने वाले शीर्ष फिडे खिलाड़ियों में नवीन कुमार, वेंकट कृष्ण, कार्तिक और समर्थ जे राव शामिल थे, जबकि प्रमुख महिला खिलाड़ी कनिश्री पी थी। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण इवेंट था। उन्होंने कहा कि चेस के साथ टाटा स्टील का रिश्ता बहुत पुराना है। 1986 से भारत में और यूरोप में भी टाटा स्टील चेस प्रतियोगिताएं आयोजित करती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में दिव्यांगों का मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। खुशी है कि 10 लोग अरेबियन खेलने जा रहे हैं। चाणक्य चौधरी ने कहा कि पारा बैडमिंटन का नेशनल अभी हाल ही में कराया गया था। कोशिश रहती है कि साल में एक नेशनल इवेंट इन दिव्यांगों के लिए कराया जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला चेस एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि टाटा स्टील इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर एक बहुत बड़ा अपना दायित्व निभा रही है। इस आयोजन में ऑल इंडिया चेस संगठन, झारखंड के संगठन एवं पूर्वी सिंहभूम जिला के संगठन का पूरा सहयोग रहा। धन्यवाद देते हैं टाटा स्टील को, जो लगभग 50 लाख रुपये खर्च कर इस तरह के आयोजन को करा रहे हैं। वहीं जीतने वाले सभी दिव्यांगों में काफ़ी उत्साह और जोश देखा गया। कहना होगा कि लोग शरीर से नहीं दिमाग से बीमार होते हैं, यह दिव्यांग हमें सीख देते हैं। आप छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, हम लोगों को देखो, हम इस परिस्थिति में भी पूरे जोश के साथ जीवन से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि ये 68 पार्टिसिपेंट्स आए 16 स्टेट से एंड स्पेशली एबल्ड, इनका जज्बा जो है उसको हम सलाम करते हैं। और खुशी इस चीज़ की भी है कि टाटा स्टील इनकी जर्नी में कुछ पार्टिसिपेट कर पा रहा है और इनके जो मेंटल्स स्ट्रेंथ है उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इनमें से 10 लोग जा रहे हैं आर्मेनिया खेलने के लिए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मुझे एंड में यही कहूंगा कि टाटा स्टील की तरफ से ऐसे टूर्नामेंट्स आगे भी होते रहेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा नीट 2024 के परीक्षा में हुए धांधली के विरोध में
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई एवं छात्रों के भविष्य को बचाने की मांग देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखी गई है। इनके द्वारा जमशेदपुर जिले के उपायुक्त के माध्यम से यह मांग पत्र सौंपा गया है। इन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो होनहार छात्र अपने दम पर निकालते हैं और उन्हें बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, लेकिन इनके परीक्षा में हुए पेपर लीक सीधे तौर पर शिक्षण संस्थाओं के धांधली को दर्शाता है और स्पष्ट कहा जा सकता है कि बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु ये धांधली की गई है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से आज नीट में जो धांधली हुई, जो गरीब जब नीट के एग्जाम होता था कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने दम पे निकालते थे नीट के एग्जाम और उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिलता था जहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब बहुत कम लागत में डॉक्टर की पढ़ाई करते थे, लेकिन आज हो क्या रहा है, सरकार की कुछ चमचों द्वारा, सरकार की कुछ जो कॉरपोरेट है एजुकेशन शिक्षा माफिया है, उनके द्वारा नीट का पेपर को लीक कराया जा रहा है और वो पेपर 20 लाख 40 लाख में बेचा जा रहा है। अब गरीब का बच्चा का वो भी जो एक सहारा था कि हम नीट का एग्ज़ाम देके हम जो टॉप करके या करके सरकारी कॉलेज में जाके डॉक्टर बनेंगे, आज उनके सपनों को मारा जा रहा है। पूरे देश भर में धड़ल्ले से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है हर जगह पर। हम उसी मांग को लेके कि उसकी पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो, सब चीज़ हो, उसी के लिए आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं। विधिवत रूप से आंदोलन करेंगे, हमारा पूरा देश भर में आंदोलन चल रहा है और झारखंड में भी कई दिनों से चल रहा है, आज जमशेदपुर में शुरुआत हुआ। इधर जमशेदपुर जन कल्याण समिति द्वारा शहर के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। साक्षी आम बगान मैदान से यह रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय तक पहुंची। इनके द्वारा देश के प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष शंभू चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि बुजुर्गों के लिए रेलवे में छूट को पुनः लागू किया जाए, साथ ही जमशेदपुर के एयरपोर्ट तथा एम्स का निर्माण करवाया जाए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री से इन्होंने वृद्धा विधवा पेंशन की राशि को 2000 किए जाने, अनाबाद बिहार सरकार जमीन का सर्वे करवाकर लोगों को मालिकाना हक दिए जाने, एक रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री को फिर से शुरू करने, मानगो क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण करवाने समेत कुल 16 सूत्री मांग पत्र इनके द्वारा सौंपा गया है। गांव की रजिस्ट्री 1 रुपए में करे और वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 1000 से 2000 किया जाए, मानगो में महिला कॉलेज दिया जाए, मानगो में हाई स्कूल किया जाए, जबकि हाई स्कूल पिछले 50 वर्षों से मानगो में हाई स्कूल नहीं है। ये जनप्रतिनिधि दो दो बार विधायक बना, मंत्री बने लोग और जनता के काम के नाम पर जीरो है, इसलिए इतनी जो जनमानस आई है अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देने आई है कि हमारी जो मांगे पूरा करो, जमशेदपुर में एम्स हॉस्पिटल दो, झारखंड को सर्वे कराकर विधानसभा सीट 81 है उसको बढ़ाकर विधानसभा सीटों को बढ़ाकर विधान परिषद का गठन करने की मांग हमने रखा है। ये सारी मांगे यदि हो जाती है, विधान परिषद गठन हो जाएगी तो विधायक होंगे हमारे, MLC चुने जाएंगे, हमारे काम करने वाला पावर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी मुद्दा है कि मानगो में नगर निगम चुनाव होते होते रुकवा दिया गया जनप्रतिनिधि के द्वारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी जवाब वोट की चोट से हम लोग देने वाले हैं। वही समाज सेवी सह कांग्रेस नेता अमित कुमार दोसांझ का धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। समाज सेवी सह कांग्रेस नेता अमित कुमार दोसांझ का जन्मदिन उनके कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया। एग्रीकोर के दुकानदारों ने दोसांझ का जन्मदिन केक काटकर मनाया। NS 33 स्थित गैरेज लाइन प्रांगण में मोहम्मद शाबिर के नेतृत्व में केक काटा गया। वहीं साक्षी आम बागान के दुकानदारों ने मासूम के नेतृत्व में केक काटकर अमित कुमार दोसांझ का जन्मदिन मनाया। आज हमारे परम मित्र हैं अमित दोसांझ जी, उनका 41वां जन्मदिन हम लोगों ने सब मिलके यहाँ के दुकानदारों ने सेलिब्रेट किया है और इसलिए हम लोग खुश हैं क्योंकि वो हमेशा जो सामाजिक कामों में हमेशा आगे रहते हैं, किसी का भी कोई सुख दर्द हो, चाहे यहाँ का लेबर हो, बगल में गैरेज भी है, इधर बाकी सारे सब दुकानदार मालिक से लेकर लेबर सबका वो मदद करते हैं और कोई अगर मालिक लेबर के लिए कोई गड़बड़ करता है तो उसमें भी वो टाइट होकर खड़ा हो जाते हैं और मालिक को भी कोई दिक्कत होता है तो उसमें भी वो खड़े रहते हैं, इसीलिए हम लोग उनका सब मिल के इस जन्मदिन का सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल करते हैं? हाँ, हर साल, लगभग हर साल ही करते हैं। ये एग्रीको सिग्नल है, सभी दुकानदार हम लोग हैं यहाँ मिल के करते हैं। मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ जी। पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये झारखंड ऑटोमोबाइल सर्विस में आज अमित कुमार दोसांझ जी का जन्मदिन को मनाया गया है और हम लोगों ने उन्हें आज यहाँ बुलाया था क्योंकि हमारे जो बच्चे लोग देख रहे हैं यहाँ सारे खड़े हैं, ये सारे लोगों का बोलना था कि अमित जी
दुख में जब हमारे साथ रहते हैं, तो आज उनका बर्थडे है तो हम लोग सेलिब्रेट करें। आपने जो केक देखा है, ये केक ये बच्चों लोग ने अपने पैसों से मंगाया है। कीमत नहीं होता, मैंने मोहब्बत का एक रूप है ये, और यही भारत का सबसे ताकतवर जो संविधान है एकता अखंडता बनाने के लिए, यही है कि उनके दुख में वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, और सुख में भी वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। यही मोहब्बत है, और यही बात बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुशी की बात है, हमारे अमित भाई अमित दोठास जो है वो एक सामाजिक सेवक आदमी है, और इनका जन्मदिन हमने अब हम लोगों ने सब दुकानदार आम मकान के जितने भी दुकानदार हैं मिलकर के मनाया है। ऊपर वाले से कामना करते हैं कि इनको लंबी उम्र दे, रहती दुनिया तक इनकी ज़िंदगी रहे, और बहुत अच्छे इंसान है ये, और सामाजिक सेवा में बहुत बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, जिस वजह कर जितने भी आम मकान के लोग हैं बहुत सहयोग से, बहुत अपने से, अपनों की तरह मिल करके इनका हम लोगों ने जन्मदिन मनाया है। और हम लोग, मेरा नाम मासूम भाई है, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों का ऐसा सब सांप्रदायिक तरीके से सब हम लोग अपने एकजुट होकर के रहें, ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत की खुशी पर चांडिल के राहुल पैलेस होटल परिसर चांडिल बाजार में जुलूस निकाला गया, आतिशबाजी कर लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया गया। इस मौके पर जुलूस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ झामुमो नेता सह आंदोलनकारी सुखराम हेमब्रम ने कहा कि जेल का ताला टूटा, हेमंत सोरेन जेल से छूटा, भाजपा का सुपड़ा साफ होने लगा है, भाजपा वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत झारखंड के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाने का काम की है, जिनको आने वाले समय में इसका जवाब झारखंड के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक जनता करारा जवाब देगी। इस अवसर पर चारू चंद किस्कू, बुद्धेश्वर मार्डी, बिंदा सोरेन, दमन बास के दिलीप किस्कू, विशाल गोप, राजेन टूडू, हरिराम सोरेन, काशिम किस्कू आदि उपस्थित थे। इस माटी के सुपुत्र, गरीबों के मसीहा, आदरणीय बड़े भाई हेमंत सोरेन जी आज जेल से छूट गए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत खुशी की बात है। झारखंड में दबे कुचले गरीब मजदूर किसान, नौजवान छात्र छात्राओं का जो आवाज को दबाने का जो साजिश था वो आज हार गया है। निश्चित रूप से ये प्यार मोहब्बत की जीत है, और भाजपा का आज षड्यंत्र और तनासही का हार है। आज पूरे झारखंड हेमंत सोरेन को निकलने से आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और निश्चित रूप से आज हम लोग कहना चाहते हैं भाजपाओं सुन लो, ये शेर निकल आया है, अब आपका खैर नहीं, झारखंड से आपका आने वाला समय सुपड़ा साफ हो जाएगा। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की बैठक शनिवार को जमशेदपुर स्थित परिसदन में सम्पन्न हुई, जहां आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने तमाम विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रहे योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग के द्वारा सभी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाए जा रहे योजनाओं से संबंधित डेटा लिया गया, जिसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि राज्य भर के तमाम जिलों में लगातार आयोग पहुँच रही है और इस तरह की समीक्षा की जा रही है। आयोग के पास अलग से आम नागरिकों द्वारा समस्याएं भेजी गई हैं, जिसके निराकरण हेतु संबंधित विभाग को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं, यहां हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन तक जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है, इतने तमाम विभाग का, हर विभाग का, तो उस पर हम लोगों ने देखा, और सब ने अपना अपना तमाम विभाग की रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट हम लोगों के पास मिली, लोग पढ़ के भी पेश किए, और आयोग की टीम तमाम रिपोर्ट से संतुष्ट है। और जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में जमकर बारिश हुई, उमस और गर्मी को लेकर लोगों को थोड़ी राहत मिली। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले थोड़ी थोड़ी रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन शनिवार शाम को अचानक तेज हवाओं और गर्जन के साथ बारिश होना शुरू हो गई, जिससे लोगों और किसानों को थोड़ी राहत मिली। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल छीनते ही गिरोह का किया पर्दाफाश, दो अपराधी को किया गिरफ्तार। सिद्धगोड़ा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने चालक की पिटाई। आजाद नगर थाना स्थित मुकरुसाई बस्ती की महिलाओं ने मोबाइल टावर नहीं लगाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिरसा नगर के एक मकान से नगदी और सोने के आभूषण की हुई चोरी, वहीं परसोडी पुलिस ने स्कूटी चोर को किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।